कबड्डी विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत ने थाईलैंड को भारी अंतर से हराकर फाइनल में जगह बना ली है और अब कबड्डी विश्व कप में अपनी बादशाहत को बरकरार रखने के लिए भारत आज ईरान से भिड़ेगा। अगर फाइनल मुकाबले में भारत जीतता है तो ऐसा आठवीं बार होगा जब कबड्डी विश्व कप का ताज भारत के नाम होगा। आपको बता दें कि कल थाईलैंड के साथ हुए सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने थाईलैंड को 53 अंकों के भारी अंतर से हरा दिया था। कल के मुकाबले में भारत ने थाईलैंड को 73-20 से मात देते हुए फाइनल में प्रवेश किया, जहां उसका मुकाबला ईरान से होगा। ईरान ने कोरिया को पहले सेमीफाइनल में 28-22 से हराते हुए फाइनल में जगह बनाई है। भारत को अपने पहले मुकाबले में कोरिया के खिलाफ अप्रत्याशित हार झेलने को मिली थी, लेकिन उसके बाद भारत ने जबरदस्त खेल दिखाते हुए अपने सभी मैच जीतते हुए फाइनल में जगह बनाई है। सेमीफाइनल के अहम मुकाबले में थाईलैंड के खिलाफ खेलते हुए भारत ने लगातार 5 अंक हासिल किए। शुरुआत में थाईलैंड के कप्तान खोमसाम खोमखांग ने अपनी टीम का खाता खोला। भारत ने फिर 3 लगातार अंक लेते हुए स्कोर 8-1 कर लिया। विपक्षी कप्तान ने एक बार फिर सफल रेड डालते हुए अपनी टीम के लिए अंक हासिल कर स्कोर 2-8 कर लिया। थाई खिलाड़ियों के पास भारत के आक्रामक खेल का कोई जवाब नहीं था। भारत ने लगातार अंक लेना जारी रखा और पहले हाफ की समाप्ति तक 36-8 की बढ़त ले ली। दूसरे हाफ में दर्शकों को बस अंतिम मिनट का इंतजार था। भारत ने इस हाफ में भी अपना दबदबा कायम रखा और थाईलैंड के खिलाड़ियों को आसानी से आउट किया। इस हाफ में मेजबानों ने 37 अंक अपने खाते में डाले, वहीं थाईलैंड की टीम सिर्फ 12 अंक ही अपने नाम कर सकी। आपको बता दें कि 2004 से 2014 तक भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने सभी 7 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। भारत इससे पहले 2 बार 2004 और 2007 में विश्व कप के फाइनल में ईरान से भिड़ चुका है और दोनों ही बार भारत ने ईरान को कड़ी शिकस्त दी है। भारत के अब तक के प्रदर्शन को देखते हुए उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार भी जीत दर्ज कर भारत लगातार 8वीं बार चैंपियन बनेगा। देखते रहिए टीवी लाइव।